20 सालों तक मोदी के खिलाफ गुजरात दंगों को लेकर फेक न्यूज फैलाने वाली तीस्ता शीतलवाड़ के खिलाफ तब तक कार्रवाई नहीं की गई जब तक सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने के लिए नहीं कहा। लेकिन जी न्यूज के रोहित रंजन को देखिए, जी न्यूज पर भूलवश राहुल गांधी को लेकर एक गलत खबर क्या चल गई। छत्तीसगढ़ पुलिस और राजस्थान पुलिस सैकड़ों किलोमीटर दूर उसे दबोचने के लिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पहुंच गए। ये दो उदाहरण इस देश की दो सरकारों के चरित्र को बताने के लिए काफी हैं और इससे आप समझ जाएंगे कि असहिष्णुता की बात करने वाले लोग कौन हैं और सहिष्णुता को व्यवहार में लाने वाले लोग कौन हैं। अब इस वीडियो में आपको मैं क्या क्या दिखाऊंगा ये भी आप समझ लीजिए। इस वीडियो में आपको रोहित रंजन और तीस्ता शीतलवाड़ की कहानी देखने को मिलेगी। इस वीडियो में आपको मैं अर्णब गोस्वामी और रवीश कुमार की कहानी दिखाऊंगा और सबकी तुलना भी करूंगा, याद रखिएगा। इस वीडियो में आपको मैं मराठी कलाकार केतकी चिताले और राणा अय्यूब की कहानी दिखाऊंगा। इस वीडियो में मीडिया इन्फ्लुएंसर समीत ठक्कर और मृणाल पांडे की कहानी और ऐसे ही कितने पत्रकार, मैं आपको कुछ पत्रकारों के नाम बता देता हूं जिनके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा। सुप्रतीक चटर्जी, नुपुर कश्यप, प्रशांत कुमार, बस आप असहिष्णुता का खुला खेल देखते चले जाइए। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बड़वाल। आज जो मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं वो कांग्रेस की ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा है। पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं, ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको नजर आएगा कि जी न्यूज के पत्रकार एंकर रोहित रंजन को लेकर दो राज्यों की पुलिस आमने सामने है, छत्तीसगढ़ की पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पुलिस के रवैये को लेकर भी जो स्थानीय लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। जो छत्तीसगढ़ पुलिस का रवैया था ना, वो अनप्रोफेशनल था और आप देख सकते हैं कि एंकर को जिस तरीके से बर्ताव किया गया वो भी उचित नहीं कहा जा सकता है। अब ये क्यों ये स्थिति पैदा हुई ये भी आप समझ लीजिए। दरअसल जी न्यूज़ ने राहुल गांधी को लेकर एक वीडियो गलत खबर के साथ चला दिया, मतलब वीडियो कहीं और का था, वीडियो वायनाड से जुड़ा हुआ था और खबर उदयपुर को लेकर के था। और इस वीडियो को जब चलाया जा रहा था तो उसके एंकर थे रोहित रंजन, लेकिन जल्द ही जी न्यूज़ को अपनी गलती का एहसास हो गया कि ये वीडियो किसी और कॉन्टेक्स्ट में चला दिया गया है। इसके बाद तुरंत जी न्यूज़ ने चैनल ने माफ़ी भी मांग ली और आप रिपोर्ट में देख लीजिए। और खुद एंकर ने भी, जो रोहित रंजन हैं, उन्होंने भी माफ़ी मांगी, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाए रखा। कांग्रेस चाहती थी तो इस मुद्दे को दबा सकती थी, भाई गलती तो सबसे होती है और मैं अभी आपको आगे बहुत कुछ दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाए रखा और ये क्यों हो रहा है ये भी समझिए, क्योंकि गांधी परिवार जुड़ा हुआ है और गांधी परिवार की भक्ति में ही पूरी पार्टी लगी रहती है। और ये पूरे एपिसोड ने ये भी सिद्ध कर दिया कि अगर गांधी परिवार के खिलाफ कोई भूल से भी भूल कर दे तो कांग्रेस के लोग उसे माफ़ करने को तैयार नहीं होते हैं। और फिर क्या था, जल्द ही इसका असर देखने को मिला। पहले राजस्थान पुलिस रोहित रंजन के पास पहुंची और उसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस अगले ही दिन सुबह सुबह 5 बजे रोहित को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर आ पहुंची। अब आप एक ज़बरदस्त तुलना देखिए, जिस रोहित रंजन को गिरफ्तार करने के लिए सिर्फ कुछ घंटों के अंदर छत्तीसगढ़ की पुलिस, कांग्रेस की सरकार की जो पुलिस है वो सैकड़ों किलोमीटर दूर पहुंच गई सिर्फ चंद घंटे में, उसी कांग्रेस की 10 सालों तक केंद्र सरकार बनी रही, केंद्र में उनकी सरकार बनी रही और उसी की नाक के नीचे उसी के दम पर तीस्ता शीतलवाड़ बरसों तक फेक न्यूज़ फैलाती रही और मोदी सरकार को बदनाम करती रही सिर्फ फेक न्यूज़। और आप रिपोर्ट भी देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अभी हाल ही में सख्त टिप्पणी की और तब जा कर के जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि तीस्ता ने झूठ फैलाया तब जा कर के तीस्ता के खिलाफ कार्रवाई हुई, उसकी गिरफ्तारी हुई है। ये है दो सरकारों
का चरित्र और दो सरकारों की कार्यशैली का फर्क। अब आप अर्णब गोस्वामी और रवीश कुमार की एक तुलना देख लीजिए। अर्णब गोस्वामी इस देश के सबसे बड़े पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं। मुंबई में जो पालघर में साधुओं की लिंचिंग की गई, तो उसे लेकर के जब अर्णब ने कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधना शुरू किया तो पूरी सरकार जो है वो उसके पीछे पड़ गई। अर्णब गोस्वामी उनके निशाने पर आ गए और सोनिया गांधी पर जब उन्होंने एक टिप्पणी कर दी तो कई राज्यों में एक साथ मुकदमे दर्ज करा दिए गए। आप देखिए कितने सारे राज्यों में, कितने सारे इलाकों में अर्णब के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए। और बात की तो पूरी कहानी आपको पता ही है, उसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं इसके साथ साथ आपको रवीश कुमार का एक न्यूज़ दिखाता हूँ। आप रवीश कुमार की ये स्टोरी देखिए। रवीश कुमार तो हमेशा मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर रहते हैं, लेकिन एक बार अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने फेक न्यूज़ के जरिए मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की। आप देखिए रिपोर्ट। और जब रवीश कुमार को, मतलब NDTV को सरकार ने इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया कि भैया आप गलत खबर बता करके आप लोगों तक प्रसारित कर रहे हो, आप फेक न्यूज़ फैला रहे हो, तो रवीश कुमार ने धीरे से पर्दे के पीछे सॉरी बोल दिया। मतलब भैया गलती हो गई मुझसे, रवीश कुमार ने ये बोल दिया। कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई सज़ा नहीं। लेकिन रवीश कुमार से जब आप पूछेंगे कि मोदी सरकार के बारे में कुछ बोलिए, तो बोलेंगे मोदी सरकार में तो नफरत ही नफरत फैल रही है और खुद नफरत फैला रहे हैं, और नफरत फैलाने के बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन वहीं अर्णब गोस्वामी के खिलाफ कई केस दर्ज करा दिए जाते हैं, और क्या हाल सरकार करती है ये भी आप सबने देखा है। अब आप मराठी कलाकार केतकी चिताले और मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये भी हैं, मतलब लेखिका भी हैं, राणा अय्यूब, उसकी एक तुलना देखिए। केतकी चिताले ने शरद पवार का नाम लिए बिना एक तल्ख टिप्पणी क्या की, उन्हें बिना किसी सुनवाई के जेल भेज दिया गया। कई दिनों तक केतकी चिताले को जेल के अंदर रखा गया। और याद रखिए, मैं अभी आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, आप देखिए केतकी चिताले के खिलाफ एक दो नहीं 22 FIR दर्ज की गई है। 22 FIR, आप रिपोर्ट देखिए। केतकी चिताले को गिरफ्तार नहीं करेंगे, 22 दर्ज FIR को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दिया आश्वासन। और ये स्थिति कब पैदा हुई, जब हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो हाईकोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया कि जिस आदमी के खिलाफ आप कह रहे हैं लिखा है उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, और आपने 22 FIR दर्ज इस महिला के खिलाफ कर दी गई है। तब जाकर के सरकार ने कोर्ट में कहा कि अब हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। लेकिन आप सिस्टम को समझिए। अब आप राणा अय्यूब को देख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दशकों से झूठी खबरें लिखना और किताबें लिखना जारी है। आप इनकी कोई भी रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, आप इनकी किताब देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और आज भी राणा अय्यूब यही कर रही हैं, लेकिन क्या आज तक कभी कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। अब आपको मीडिया इन्फ्लुएंसर समित ठक्कर और एक पत्रकार मृणाल पांडे की तुलना दिखाता हूँ, उनकी कहानी दिखाता हूँ। समित ठक्कर ने आदित्य ठाकरे पर एक टिप्पणी की, उन्हें सरकार की कार्यशैली पसंद नहीं है, वो आलोचना कर रहे थे, और आलोचना करते हुए उन्होंने आदित्य ठाकरे को बेबी पेंगुइन कह दिया। अब आप देखिए कि सिर्फ इस शब्द के इस्तेमाल पर उसके खिलाफ कई FIR हुई, गिरफ्तारियां हो गई, और मतलब जैसे एक में जमानत मिले ना तो दूसरी FIR भी है। केतकी चिताले वाली बात आपको भी दिखाई मैंने, वैसा ही हाल समित ठक्कर का था। और आतंकवादियों की तरह बर्ताव किया गया, पूरे चेहरे को काले कपड़े से ढक दिया और हाथों में रस्सी लगाकर, मैंने ऐसे जैसे आतंकवादियों के साथ भी ये बर्ताव नहीं होता है। और उन्हें समित ठक्कर को 23 दिनों तक जेल में रहना पड़ा, याद रखिएगा। अब मैं आपको दूसरी कहानी मृणाल पांडे की दिखाता हूँ। आप देखिए मृणाल पांडे बड़ी पत्रकार है, और प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के दिन 17 सितंबर को उन्होंने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। आप उनके ट्वीट को देखिए क्या लिखी है। जुमला जयंती पर आनंदित, पुलकित, रोमांचित वैशाख नंदन। पिक्चर देखिए, सब समझ में आ जाएगा आपको क्या लिख रही हैं। एक तरफ बेबी पेंगुइन और दूसरी तरफ वैशाख नंदन,
एक को इतने दिनों की जेल आतंकवादियों की तरह बरता और दूसरे के साथ क्या हुआ, ये भी तो आपको समझना पड़ेगा। और आप याद रखिए, जब मृणाल पांडे ने ये बात कही तो सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर अपना गुस्सा निकाला, कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। और यही है दो सरकारों की कार्यशैली का फर्क। ठीक इसी प्रकार एक पत्रकार हैं सुप्रतीक चैटर्जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की मौत की कामना की, लेकिन उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आप रिपोर्ट देखिए, इससे आपको और भी कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी। जर्नलिस्ट हु विश्ड डेथ फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गेट्स लेविश लिबरल लव। ये है स्थिति। मोदी जी की मौत की कामना कीजिए तो आपके साथ ये होगा, कार्रवाई तो छोड़ दीजिए। अब मैं आपको कुछ और पत्रकारों के नाम दिखाता हूँ, आप देखते चले जाइए, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि कौन प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या कामना करता है और क्या हुआ। आप देखिए, ये हिंदुस्तान टाइम्स की पत्रकार हैं नुपुर कश्यप, उन्होंने पीएम मोदी की मौत की दुआ मांगी। अब ये रिपोर्ट देखिए, काश सुनामी आ जाए और पीएम मोदी डूबकर मर जाएं, एसटी की पत्रकार ने की ओछी हरकत। और ये नुपुर कश्यप क्या है, हिंदुस्तान टाइम्स में कॉपी एडिटर के रूप में कार्यरत है। ये पुरानी खबर दिखा रहा हूँ आपको, अभी क्या है मुझे नहीं पता, उस समय रविवार यानी 15 दिसंबर 2019 को एक फेसबुक यूज़र से कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौत की दुआ मांगे। ये है, और इस खबर में वो सारे स्क्रीनशॉट भी लगाए गए हैं। इसी तरीके से एक एनडीटीवी की पत्रकार थी सुनेत्रा चौधरी, इसी खबर में लिखा है कि उन्होंने ये दुआ मांगी थी कि प्रधानमंत्री मोदी को स्वाइन फ्लू हो जाए। और तीसरा पत्रकार है टाइम्स नाउ का प्रशांत कुमार, उसने ये कहा कि काश पीएम मोदी की हत्या कर दी जाए। आप सोचिए, लिखने वाला पत्रकार है। मैं अभी आपको सारे पत्रकारों की कहानी बता रहा हूँ कि किस प्रकार से ये सारे लोग, पूरा इकोसिस्टम, पत्रकार हो, एक्टिविस्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन किस प्रकार से वो एजेंडा चलाता है और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती, फिर भी उस सरकार पर इतने सारे तोहमत लगा दिए जाते हैं। अब मैं आपको दोनों सरकारों की संस्कृति का एक फ़र्क दिखाता हूँ, कांग्रेस और भाजपा की संस्कृति का फ़र्क। कांग्रेस जहाँ गांधी परिवार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है किसी भी कीमत, वहीं दूसरी तरफ अभी मैंने आपको दिखाया सुनेत्रा चौधरी का कि उसने मोदी के स्वाइन फ्लू होने पर खुशी जताई, उसकी एक पुस्तक का विमोचन था, तो उस विमोचन में जानते हैं कौन पहुंचा, आप रिपोर्ट देखिए, अरुण जेटली पहुंचे, मोदी सरकार के सबसे कद्दावर मंत्रियों में से एक, वो पहुंचे उसी सुनेत्रा चौधरी के पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में, उन्होंने ही पुस्तक का विमोचन किया। और यही नहीं, मोदी सरकार ने उसी सुनेत्रा चौधरी को अपने एक इवेंट में विशेष रूप से न्योता भेजा। ये है मोदी सरकार की स्थिति। और अब मैं आपको पत्रकारों से इतर एक नई चीज़ दिखाता हूँ, बात सिर्फ पत्रकारों की नहीं है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, मतलब सोनिया, राहुल से लेकर अब तक 79 गालियां दे चुके हैं, 79 गालियां, मतलब गालियों की लिस्ट आप देखिए कितनी गालियां अभी तक प्रधानमंत्री मोदी को ये लोग दे चुके हैं, और क्या क्या नहीं कहा, सांप, बिच्छू, इतनी सारी गालियां कि आप सोच नहीं सकते। आप, मैं स्क्रॉल करके ये सारी चीज़ें आपको दिखा दे रहा हूँ, लेकिन क्या किसी के खिलाफ भी मोदी सरकार ने कोई कार्रवाई की, नहीं की, किसी के खिलाफ भी मोदी सरकार ने या किसी भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हैं। आप एक छोटा सा, छोटी सी बाइट देख लीजिए, जहां भी मोदी जी जाते हैं नफरत फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। साथियों, मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद कांग्रेस लगातार अपनी राजनीतिक जमीन खोती चली जा रही है, और यही वजह है कि आज पूरे देश में सिर्फ दो राज्यों में कांग्रेस की सरकार बची। लेकिन अब कांग्रेस आर्टिस्टों, पत्रकारों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को निशाना बना रही है, उससे ये साफ है कि अब कांग्रेस धीरे धीरे अपनी जो वैचारिक जमीन है, सामाजिक जमीन है, वो भी
होती चली जा रही है और अब वह दिन दूर नहीं जब वाकई भारत कांग्रेस मुक्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।